नमस्ते, मैं रेकी मास्टर टीचर, क्रिस्टल हीलर, क्रिस्टल मास्टर टीचर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट रोमा पाठक। आज आप लोगों के रिक्वेस्ट से ही बताना चाहूँगी कि बहुत लोगों को मन में ये रहता है कि हम अगर हमारे क्रिस्टल ब्रेसलेट्स या क्रिस्टल माला या क्रिस्टल का कोई भी प्रोडक्ट टूट जाए या ख़राब हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, क्रिस्टल्स हमारे दोस्त होते हैं और हमारे लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी लेके आते हैं। तो हमें पिछले वीडियोस में भी बहुत बार कहा है मैंने कि हमारे क्रिस्टल रेमेडीज़ जो होते हैं, न्यूमरोलॉजी के मेन रेमेडीज़ जो होते हैं वो होते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट्स। और क्रिस्टल ब्रेसलेट्स को बहुत ही केयरफुली और बहुत ही प्यार से अपना फ्रेंड समझकर पहनना चाहिए, उनको यूज़ करना चाहिए ताकि वो हमें हमारे ऑरा के साथ मिक्स एंड मैच होकर हमें बहुत सारा पॉजिटिविटी प्रदान करें। वैसे ही क्रिस्टल ब्रेसलेट्स हम बहुत दिनों से पहनने के बाद क्या होता है, हमारे ऑरा के साथ मिक्स होके वो हमारे लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स या कोई भी नेगेटिविटी हो उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो उस हिसाब से कई बार होता है कि अगर हमारे लाइफ में कोई नेगेटिविटी आने वाली होती है तो वो क्रिस्टल ब्रेसलेट्स जो हम पहनते हैं केयरफुली, वो अपने ऊपर वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी वजह से भी टूट जाते हैं। तो उस समय हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हमारे क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल ब्रेसलेट टूट गया है या जो भी क्रिस्टल टूट गया है या क्रैक हो गया है, उस क्रिस्टल को हमें ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, हमें थैंकफुल होना चाहिए, पर गिल्ट बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ये क्रिस्टल्स बने ही होते हैं इसलिए और हम यूज़ भी करते हैं इसीलिए ताकि हमारे लाइफ की नेगेटिविटीज़ को वो एब्जॉर्ब करें और बदले में हमें पॉजिटिविटी दे। तो पैनिक मत होइएगा अगर आपकी क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, एक और बात, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स पहनते पहनते उस वो इलास्टिक से बना हुआ होता है, तो कई बार होता है क्या, वो जो इलास्टिक होता है वो टूट जाता है। इसका मतलब ये नहीं, इलास्टिक टूट जाने का मतलब ये नहीं कि क्रिस्टल टूट गया है। आपको ध्यान देना है कि क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल बीड्स में क्रैक आया है या नहीं, क्रिस्टल बीड दो टुकड़े या कुछ टुकड़े में बिखर गए हैं क्या नहीं, ये आपको ध्यान देना होगा। अगर आपका क्रिस्टल ब्रेसलेट या क्रिस्टल माला जस्ट जिस धागे में बंधा हुआ है या जिस इलास्टिक में बंधा हुआ है वो टूट गया है, तो इट्स नो प्रॉब्लम, ये तो कैजुअल बात है, आप फिर से दूसरे इलास्टिक में या दूसरे थ्रेड में आप उसको बांध के फिर से पहन सकते। बट उससे पहले, पहनने से पहले फिर से प्रोसेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से पॉजिटिविटी मिले। और अगर सच में टूट जाए या आप क्रिस्टल ब्रेसलेट्स या माला या क्रिस्टल प्रोडक्ट्स जो यूज़ करते हैं उसे लेकर आप मतलब उसके साथ ही आप बाहर गए हो कहीं पर, आपके मतलब अननोइंगली ही वो कहीं घूम गया है या टूट के नीचे गिर गया, बिखर गया, और आपको या तो आपको बाद में याद आया कि अरे मेरा क्रिस्टल ब्रेसलेट नहीं मिल रहा है या दिख नहीं रहा, तो इसमें भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये आप श्योर हो जाइए कि उस क्रिस्टल का या उस क्रिस्टल ब्रेसलेट का आपके लाइफ में वहीं तक काम था, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फिर भी मन चाहे कि हाँ मुझे वो क्रिस्टल फिर से पहनना है तो आप फिर से पहन सकते हैं। फिर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर फिर से वो टूट जाए या गुम जाए, मतलब कहीं लॉस हो जाए, तो फिर आपको समझना चाहिए कि वो क्रिस्टल जो बार बार टूट रहा है या बार बार घूम रहा है उसको, वो क्रिस्टल आपके लाइफ में ज़रूरत नहीं है, उसका काम पूरा हो चुका है, उसकी पॉजिटिविटी पूरी आपके लाइफ में आ चुकी है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी क्रिस्टल ब्रेसलेट्स या क्रिस्टल टूटे हुए क्रिस्टल्स होते हैं उनको आप पानी के बॉटल में, जो पानी आप पीते हैं पानी के बॉटल में रख सकते हैं, फ़िल्टर में डाल सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स हमेशा पॉजिटिविटी तो देती है, तो वो क्रिस्टल, बट याद रखिएगा कि वो क्रिस्टल वाटर फ्रेंडली अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जो भी क्रिस्टल्स वाटर फ्रेंडली नहीं है वो तो पानी को टॉक्सिक बना सकता है या नेगेटिविटी आ सकती है। तो जो भी वाटर फ्रेंडली क्रिस्टल्स होते हैं उनको
आप पानी में डाल सकते हैं और वो पानी आप पी सकते हैं। नहाने के पानी में भी डाल सकते हैं, वो उस पानी से भी आप नहा सकते हैं, इससे भी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर आप ऐसा यूज़ ना करना चाहे तो आप उन टूटे हुए क्रिस्टल्स को किसी गमले में, जो भी पौधा लगाया हुआ है या गमले में हो या आपके आंगन में या कहीं भी, आप मिट्टी के नीचे गाड़ सकते हैं, तो उससे भी वो फ़ायदा ही देगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और क्रिस्टल ब्रेसलेट्स या क्रिस्टल माला टूटने से आप पैनिक मत होइएगा, एक और बार ट्राई कीजिए कीजिएगा पहनने को। पहनने के बाद अगर आपको फिर से वो टूट रहा है या घूम रहा है तो फिर आप श्योर हो जाइए कि उस क्रिस्टल का काम पूरा हो चुका है। क्रिस्टल्स के बारे में और कोई जानकारी आपकी आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और किस हाथ में पहनना चाहिए क्रिस्टल्स, हमेशा से मैं बोलती हूँ, ये जो वुडन ब्रेसलेट है ये एक्चुअली क्रिस्टल नहीं है, ये न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन के हिसाब से रेमेडीज़ में दिया जाता है। ये वुडन ब्रेसलेट हो या हेमाटाइट है, ये दो ब्रेसलेट आप राइट हैंड में पहन सकते हैं, और बाकी जो भी क्रिस्टल्स होते हैं उसे आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए पहनते हैं, आपके सॉरी आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए पहनते हैं आप, इसीलिए लेफ्ट हैंड में पहनिएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपका, आपके इनर साइड का वो होता है कि आप ये अपने लेफ्ट हैंड में पहनने से कोई भी क्रिस्टल हो, आप लेफ्ट हैंड में जब भी पहनेंगे तो वो आपको पॉजिटिविटी ही देगा, आपके न्यूमरोस्कोप के हिसाब से या लोशु ग्रिड के हिसाब से जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करने में मदद करेगा। तो न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन करवा के ही अगर क्रिस्टल ब्रेसलेट्स पहने तो ये बहुत अच्छा होगा। ये इस बारे में मैं एक दूसरा वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप लोगों को अगर न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन करवाना हो या क्रिस्टल डाउजिंग कोर्स करना हो या रेकी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मास्टर लेवल करना हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी लेके आएंगे। आज यहीं तक, नमस्ते।